राजस्थान की 25 लोकसभा सीटें और उसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो सीट है उसको लेकर के आज हम जिक्र करने वाले हैं और वो सीट है जोधपुर। लेकिन जोधपुर सीट पर इस बार समीकरण क्या है, राजस्थान के रण को साधने के लिए जोधपुर के लोकसभा सीट को साधना क्यों इम्पोर्टेंट है और क्यों जरूरी है, इस पर हम विश्लेषण इसका दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले कुछ इतिहास आपको हम बता देते हैं। जोधपुर लोकसभा सीट राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से एक है। इस सीट पर कांग्रेस का दबदबा रहा। कांग्रेस को इस सीट पर 8 बार जीत हासिल हुई, जबकि बीजेपी ने 5 बार जीत हासिल की। पिछले 10 सालों से जोधपुर सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा और इस सीट पर राजपूत समुदाय के वोटर्स की बहुलता है। इसके अलावा मुस्लिम समुदाय की भी अच्छी खासी संख्या है। बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में भी गजेंद्र सिंह शेखावत को उम्मीदवार बनाया। शेखावत दो बार तो से सांसद हो रहे और उनके पास हैट्रिक बनाने का मौका इस बार है। गजेंद्र सिंह शेखावत मोदी सरकार में जल शक्ति मंत्री हैं, जबकि कांग्रेस की तरफ करण सिंह उचियाड़ मैदान में हैं। दोनों ही उम्मीदवार राजपूत समुदाय से बिलोंग करते हैं। जोधपुर की राजनीति को नजदीक से समझने के लिए हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस वक्त जोधपुर की सरजमी पर मौजूद हैं। अदिति के साथ लोकल राजनीति पर मजबूत पकड़ रखने वाले हमारे सहयोगी चैनल फर्स्ट इंडिया के संवाददाता राजीव गौर भी जोधपुर की राजनीति पर बारीकियों से नजर रखते हैं और वो वहां मौजूद हैं। जोधपुर में क्या है समीकरण और कौन वहां पर बाजी मारने वाला है, इन तमाम मुद्दों पर यहां पर बातचीत हम अदिति से करेंगे और साथ ही राजीव भी हमारे साथ होंगे। लेकिन उससे पहले इसका इतिहास आप समझ लीजिए और क्यों ये मैं कह रही हूं कि ये सीट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इतिहास क्या है, पहली बार साल 1952 आम चुनाव में मतदान निर्दलीय जसवंत राज मेहता सांसद बने, जीत के बाद कांग्रेस में शामिल हो गए। फिर 1957 में जसवंत राज मेहता सांसद बने। 1962 में निर्दलीय उम्मीदवार लक्ष्मी मल सिंह भी जीते। फिर 1967 जिसमें कांग्रेस के नरेंद्र कुमार सांघी ने जीत हासिल की। फिर 1971 जिसमें निर्दलीय कृष्णा कुमारी सांसद चुने गए। 1977 में जनता पार्टी के रणछोड़ दास गट्टानी जीते। 1980 में कांग्रेस के अशोक गहलोत सांसद बने। फिर 1984 आम चुनाव में भी जीत हासिल की। बीजेपी ने पहली बार 1989 में वहां से जीत हासिल की। बीजेपी के टिकट पर जसवंत सिंह सांसद चुने गए। फिर 1991, 1996, 1998 में अशोक गहलोत ने जीत दर्ज की। फिर 1999 में बीजेपी के जसवंत बिश्नोई सांसद चुने गए। 2004 आम चुनाव में भी जीत हासिल की। 2009 में कांग्रेस के चंद्रेश कुमारी कटोच सांसद चुने गए। 2014-2019 में बीजेपी के गजेंद्र सिंह शेखावत चुनाव वहां से जीते। किस पार्टी ने किसको उम्मीदवार बनाया है वो भी आप समझिए। बीजेपी गजेंद्र सिंह शेखावत, कांग्रेस की तरफ से है करण सिंह उचियारड़ा। तो ये पूरा समीकरण है और इस समय बीजेपी या फिर कांग्रेस दोनों ही तरफ से इस रण को साधने की कोशिश की जा रही है। अदिति नागर हमारी पॉलिटिकल एडिटर इस समय हमारे साथ कनेक्टेड हैं और इस सीट का समीकरण जो है वो हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन राजस्थान उससे पहले आपके लिए समझना ज़रूरी है। 25 लोकसभा सीटें राजस्थान की, और देखिए जब विधानसभा चुनाव राजस्थान का हुआ तो इस बार बीजेपी को जीत हासिल हुई और पिछली बार 25 में से 25 सीटें लोकसभा की वो बीजेपी के खाते में ही गई। ऐसे में एक एक सीट पर मजबूती से पकड़ रखना बीजेपी के लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जो टारगेट प्रधानमंत्री मोदी ने रखा है बीजेपी के लिए या फिर एनडीए के लिए, बीजेपी के लिए 370 प्लस, एनडीए के लिए 400 प्लस, उस टारगेट को पकड़ने के लिए ज़रूरी ये है कि वो तमाम सीटें जो पहले ही बीजेपी के खाते में है उस पर तो पकड़ हो ही, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये कि जो साउथ की पट्टी है, जो हिंदी पट्टी नहीं है, वहाँ पर बीजेपी की पकड़ मजबूती से हो और तभी ये जो आंकड़ा है, जो तय किया गया आंकड़ा है बीजेपी की तरफ से, वो पूरा हो पाएगा। ऐसे में इस सीट पर समीकरण क्या हो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे बड़ी बात ये भी है कि शेखावत के लिए भी ये किसी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि जोधपुर में अपनी पकड़ को मजबूत बनाए रखना, बीजेपी में यानी पार्टी के अंदर अपना दमखम रखना, वो उनकी इस जीत पर पूरी तरीके से निर्भर करता है। इसी भी जो जातीय समीकरण है वो भी आप समझ लीजिए। हालांकि 25 में से जो 25 लोकसभा सीटें हैं वो बीजेपी के खाते में पिछली बार गई, लेकिन जो जातीय समीकरण है वो समझना ज़रूरी आपके लिए। कौन कहां से साथी, देखिए गजेंद्र सिंह ने वैभव गहलोत को 2019 में शिकस्त दिया था। वैभव गहलोत जो कि अशोक गहलोत के सुपुत्र हैं और तकरीबन 274,440 वोट से वैभव गहलोत हार गए थे। ऐसे में इस सीट पर
जैसे अशोक गहलोत की पकड़ रही, वैसे ही गजेंद्र सिंह शेखावत इस समय अपनी पकड़ बनाए हुए हैं, लेकिन इस बार का चुनाव उनके लिए भी चुनौतीपूर्ण रहने वाला है।